आप सब 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 लोग जानते हैं, हर एक आदमी का आपके पास बैकग्राउंड है। शेख साहब कहाँ से आए? सोहरा से। व्हाट डिड ही हैव? सबको पता है। आज देख लीजिए, शेख साहब के फर्जन लंदन भी में भी मकान है, साउथ ऑफ फ्रांस में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, गुड़गांव में भी मकान है, एंड दे आर एड्रेस्ड इन दिल्ली एज द शेख्स ऑफ कश्मीर। नो बडी आस्क देम। आप मुझे बताइए लाया कहाँ से? जब बात अगर आपको छेड़नी है तो बार बार बात करेंगे, लाया कहाँ से? कोई करता है, नौकरी कोई करता। आप बताइए मुझे लाया कहाँ से उन्होंने, जो इतनी संपत्ति उनके पास है। हर एक के पास तो गाड़ी दो दो तीन तीन करोड़ रुपए की है, ऊपर से नीचे तक जो लगाया हुए कपड़े होते हैं वो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए के होते हैं। अब सज्जाद साहब ये इसका जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा। यस डेफिनेटली दे लूटेड द पब्लिक मनी। आया कहां से? अगर मैं बिजनेस करता हूं, अगर मुझे आप कह रहे हैं कि आपने बैंक को लूटा है, मैंने बैंक में से कर्जा उठाया है, मैंने उसके अगेंस्ट मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है, आप मुझे बताइए ये लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे चलना जैसे ये आज की डेट में? ये तो बताइए, शेख अब्दुल्ला था कौन? उसके ग्रैंडफादर ने रखा क्या था? फारूक अब्दुल्ला साहब के पास हजारों करोड़ रुपए आए कहां से? उमर अब्दुल्ला साहब के पास हजारों करोड़ रुपए आए कहां? इसका मुझे जवाब दीजिए। मैं 15 दिन से इस सब को होते हुए देख रहा था और मैं ये आश्वस्त था कि एक को भी किसी के पास मेजोरिटी है नहीं, एक को भी बुला लिया जाएगा तो खुला खेल होगा, इतनी अनैतिकता होगी, इतना रुपये का बहुत आपको अंदाज नहीं है। कश्मीर की समस्या अगर कुछ है तो सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। कश्मीर पे जितना रुपया लगा, अगर वो लग गया होता तो कश्मीर सोने का होता। वहाँ राजनीति वालों के पास इतना धन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 20, 25, 50 कमरों के मकान हैं सबके, कई करोड़ के कालीन हैं, लेकिन वो जो गरीब कश्मीरी अमरनाथ की यात्रा पे टट्टू लेके जाता है उसके बदन पे स्वेटर भी नहीं है। तो मुझे ये अंदाजा था कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई तो इसमें रुपया भी आएगा, इसमें ये टेररिस्ट भी आएंगे, इसमें दो चार लोग जरूर मरेंगे और एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। और 9 जगह अभी हमको पंचायत का वोट करना था, आज के बाद 8 जगह और वोट होना है। और डेमोक्रेसी इन इट्स फुलेस्ट, इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल सेंस घाटी में वापस आ रही थी, उस सारी को खत्म कर देंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझको एक दिलचस्प बात और बताऊं मैं आपको, हम लोग कई बार कहते हैं कश्मीर का अलग संविधान क्यों है, वो अलग संविधान नहीं होता तो मुझे राष्ट्रपति से पूछना पड़ता, मुझे संसद में भेजना पड़ता पास कराने के लिए। उसी संविधान में लिखा है कि गवर्नर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो असेंबली को बर्खास्त कर। मैंने 4 बजे में पहुंचा हूं, मैं दिल्ली में था, मैं भी वहां नहीं था, तो जब पहुंचा